हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार, मैं इंद्रजीत शर्मा, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। आज गणपति विसर्जन का जो दिन मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से, बड़े हर्ष उल्लास उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कनीना के पास में एक सीहोर गांव की एक नहर है, उसके ऊपर गणपति विसर्जन किया जा रहा है। अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे अभी आज चरखी दादरी से कुछ लोग आए हैं, वो विसर्जन कर रहे हैं। कनीना गाँव से माहेश्वरी समाज गणपति विसर्जन के लिए आए वहाँ। आइए ले चलते हैं आपको इस पावन धरा पे और इस पावन पर्व पे लोगों आपको दिखाने के लिए, जो नहर में किस तरीके से गणपति विसर्जन किया जा रहा है। इसमें खासियत यह है कि यह विसर्जन इस तरीके का है, गणपति इस तरीके से बनाया गया है कि पानी के टच होते ही ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये खत्म, इसमें मिल जाएगा, पानी में मिल जाएगा, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। और ये आज इस तरीके से बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं, ले चलते हैं आपको इधर। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर ये जो गणेश जी के जो विसर्जन किया जा रहा है, उसमें हरियाणा अपडेट आज आपको लेकर आया नया। और ये यहाँ पे सीहोर के पास में एक नहर है जहाँ पे विसर्जन किया जा रहा है, उसमें हम बात करते हैं। हाँ सर, बताइए क्या नाम आपका? राम प्रकाश जी। कहाँ से आए हैं आप? चरखी दादरी। चरखी दादरी से। ये कार्यक्रम कितने सालों से करते आ रहे हैं आप? ये 7 साल से जी। 7 साल से आप करते आ रहे हैं। आपके पास 7वां साल है आपका? हाँ जी। हाँ सर, क्या नाम आपका? प्रवीण सैनी। क्या रेगुलर यहीं पे आते हैं आप? नहीं जी, हम किक्कड़ आते हैं, वहाँ पे नहर नहीं आ रही, इस करके यहाँ पे आना पड़ा। प्रशासन की लापरवाही के कारण आना पड़े यहाँ पे हमको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप क्या क्या कार्यक्रम और आयोजित करते हैं इसमें? और जागे वगैरह करते हैं, जागरण करते हैं, भंडारा करते हैं। भंडारा भी करते हो? हाँ जी। तो जागरण करोगे? जागरण कल कर लिया। कर लिया? हाँ जी। आज विसर्जन कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुबह भंडारा था। कितने लोग आपके इसमें कार्यक्रम में शामिल होते हैं? कार्यक्रम में कम से कम 1000-2000 की गैदरिंग होती है हमारी। मैम क्या नाम है आपका? विनीता। कहाँ से आई हैं आप? चरखी दादरी। अच्छा, तो आप ये पहली बार आई हैं इसमें प्रोग्राम नहीं में? जी, 7 साल हो गए। 7 साल हो गए इसका। तो ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा माहौल, पूरा गणपति में माहौल हो रखा है। ये बताया जाता है कि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र मुंबई में सबसे बड़े लेवल पे मनाया जाता है। आज हमारे यहाँ पे कनीना के पास वाले क्षेत्र में भी बहुत ही बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ये गणपति विसर्जन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं रंग गुलाल उड़ा करके सभी लोग प्यार प्रेम से इस महोत्सव को बड़ा ही रंगीन में बनाते हुए आप यहाँ देख सकते हैं। ये सीहोर गांव के पास में नहर है, यहाँ पे पूरा गुलाल के माध्यम से ये पूरा माहौल रंगीन में हो रखा है। हर व्यक्ति, हर युवा, हर महिला इस प्रोग्राम में आकर के और इस प्रोग्राम के शान बढ़ाते हैं। सीहोर के पास पहुंची है, युवा लोग, हर व्यक्ति, गजब का माहौल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। परिवार जो यह लगातार छठा इनका विसर्जन कार्यक्रम है गणपति का, बड़े ही धूमधाम से उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। हाँ मैम, बताइए क्या नाम है आपका? राधा महेश्वरी। अच्छा, आप ये कितने टाइम से करते आ रहे हैं कार्यक्रम? ये हमारा छठा गणपति महोत्सव है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम और आयोजित करते हैं इसमें? इसमें हम शाम की आरती के समय बच्चों को, बड़ों को और लेडीजों को, सबको गेम्स खिलाते हैं 11 दिन तक, और बम्पर प्राइज निकालते हैं लास्ट डे, और बीच में हर दिन चारों लोगों का डेली प्राइज निकलता है। 11वें दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, उसके बाद भंडारा होता है, फिर भगवान की विशाल गणपति यात्रा स्टार्ट होती है। अच्छा, आप कितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं? हमारा पूरा महेश्वरी परिवार पूरा इसमें शामिल होता है, बाकी आस पड़ोस और पूरे गांव से लोग आते हैं। हमारी फैमिली 7 भाइयों की परिवार है, तो पूरा लोग इसमें आते हैं। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? शकुंतला महेश्वरी। अच्छा, ये आप कब से करती आ रही हैं कार्यक्रम? 5 साल हो गए। गणपति बप्पा। और बोलो। गणपति बप्पा।
गणपति बप्पा आपना, न चाइना न कोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, न चाइना न कोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, लाल फूल पीला फूल गणपति बप्पा ब्यूटीफुल, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, वर्षी अगले बरस तू गणपति बप्पा मोरिया, मिस यू गणपति बप्पा, अगली साल बहुत जल्दी आना मोरिया। हाँ भाऊजी, क्या नाम आपका? राजेंद्र राव। कब से करते आ रहे हैं प्रोग्राम आप? ये प्रोग्राम होगा 8-10 साल। 8-10 साल हो गए आपको करते हुए। आज आपके बच्चे का जन्मदिन भी है? हाँ, बच्चे का जन्मदिन भी है। पोते का? क्या नाम है सर आपका? संदीप ऐसरी। हाँ सर बताइए। गणेश चतुर्थी में गणेश जी विराजमान करते हैं और 11 जनवरी का गणपति भी ढाके भी विसर्जन करते हैं। अच्छा, तो उस दौरान आप रेगुलर नाचने गाने का प्रोग्राम? हाँ, सुबह शाम गणपति बाबा की आरती होती है, दोपहर और शाम को भजन और कीर्तन होते हैं। कितने लोग आपसे प्रभावित होते हैं, कितने लोग आपसे जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में? हमारे से पूरा समाज जुड़ा हुआ है, 200 परिवार कम से कम जुड़े हुए हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही जानना चाहता हूँ, गणपति बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणपति बाबा मंगल मूर्ति, गणपति बाबा मंगल मूर्ति, कुर्चा वर्षी अगले वर्ष तू गणपति बाबा मंगल मूर्ति कुर्चा वर्षी